हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मी सहेली चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गर्मा गर्म चटनी की रेसिपी, जिसे आप ठंड में बना के खा सकते हैं। जब तक ठंडा रहे तब तक इस चटनी को आप खाएं, आपके शरीर बिल्कुल भी गर्म रहेंगे। एक ही कपड़ा में इतना गर्म होता है यह चटनी। तो इस चटनी को क्या चीज़ से बनाई हूँ, तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि इस चटपटी चटनी को बनाना कैसे है। तो यहाँ पर ले ली हूँ तिल। तो हाँ फ्रेंड्स, ये तिल की ही चटनी है। आज मैं आपके साथ तिल की चटनी का रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर आधा कटोरी, आधा कप या जितना आपको बनाना है उतना आप तिल ले लें, और इस तरह से इसे ड्राई रोस्ट कर लेना। इसमें अभी कोई भी घी या तेल नहीं डालना है, बस इस तरह से तिल को हल्का सा भून लेना है। तिल जले नहीं, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा तिल भून के तैयार हो गया है। अब इसे डाल दूंगी ठंडा होने के लिए। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आने वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तिल को डाल दी हूँ ठंडा होने के लिए, और तिल अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब इसका चटनी बनाऊँगी। तो यहाँ पर तिल ठंडा हो चुका है, इसे डाल ले रही हूँ ग्राइंडर जार में, और इसके साथ ही डाल लूँगी आधा चम्मच के करीब नमक। तो नमक अभी ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि बाद में चटनी में यदि कम होगा तो आप डाल भी सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाली, नमक इसके लिए डाली हूँ कि इसे ग्राइंड करूँगी तो तिल अच्छे से पीस जाएगा हमारा। तो देखिए, यहाँ पर तिल को अच्छे से पीस के ले ली हूँ, और जब तिल ठंडा हो जाए तभी आप इसे इस तरह से ग्राइंड करेंगे, नहीं तो उसमें से तेल निकल जाएगा। तिल बहुत ज़्यादा तेली होता है तो उसमें से तेल निकल जाएगा। अब इसमें डाल दे रही हूँ 2 से 3 हरी मिर्ची को बारीक कट करके, जिससे अच्छे से ये पीस जाए चटनी में। और इसमें डाल दूंगी 3 से 4 कलियां लहसुन का, और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा। अब ज़्यादा चटनी बनाएंगे तो सारी सामग्री को थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा करके ले लीजिएगा। अब डाल दी हूँ धनिया पत्ती, अब पुदीना पत्ती भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी, और थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसका चटनी पीस लूंगी अच्छे से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अभी और भी इसमें सामान डलेगा। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से चटनी पीस के तैयार कर ली। चटनी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, कुछ इस प्रकार का ही रखिएगा, क्योंकि चटनी थोड़ा देर के बाद खुद ब खुद थोड़ा सा जम जाता है। तो अब चटनी में तड़का लगा ले रही हूँ। तड़का लगाने के लिए यहाँ पर डाल दी हूँ तड़का पैन, उसमें डाल दी हूँ तेल। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें 1 चम्मच सरसों का दाना डाली हूँ, सरसों अच्छे से चटक चुका है। अब इसमें डाल दी हूँ थोड़ा सा कड़ी पत्ता, आपके पास है कड़ी पत्ता तो आप ज़रूर डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। और अभी गैस को बंद करने के बाद इसमें 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्ची डाली हूँ, जिससे कि चटनी में बहुत अच्छा सा कलर आएगा और चटनी बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं होगा। अब इसे डाल दे रही हूँ चटनी के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, देख पा रहे होंगे कि चटनी पे डालते ही चटनी का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तभी एक बार इसे मिक्स कर ले रही हूँ, उसके बाद इसमें डाल दूंगी नींबू का रस। तो इतना चटनी में 1/2 नींबू सही रहेगा, तो यहाँ पर मैं 1/2 नींबू ले ली हूँ। नींबू का एक साइड आधा से थोड़ा कम ही है, और उसका रस इसमें मिला दे रही हूँ। तो जब चटनी में तड़का लगा ले उसके बाद नींबू का रस इसमें डालिएगा, और अच्छे से इसे मिक्स कर ले रही हूँ। तो यहाँ तैयार है चटपटी सी चटनी। इसे आप रोटी, पराठा, नान, डोसा किसी के साथ भी खा सकते हैं, इडली के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये चटनी। जब तक ठंडा रहे तब तक आप तिल के चटनी का इस्तेमाल ज़रूर करें, गर्मियों में इसे नहीं खाया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। Thank you.